हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यूथ कंपटीशन टाइम्स एसएससी 2021 एरिथमेटिक अंक गणित चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज 7525 प्लस बुक से प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 3 स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 3 आपका क्या दिया गया है? विक्रयमूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग सेलिंग प्राइस। तो पहला क्वेश्चन आपका इस वीडियो का क्या है और इस बुक का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 113 है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम हुआ था 18/11/2020 को। 18 नवंबर 2020 के दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस में। इसका आपको सबसे बेस्ट और शॉर्टकट अप्रोच बताएंगे, ये नहीं कि बुक वाला मेथड आप जानते हैं लेंदी रहता है और एक्स मार्कर बनाया हुआ रहता है। हम आपको रेशियो मेथड से एलिगेशन का अप्लाई करके सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच बताते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। अनिल ने कुल 10,000 रुपया के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। दैट मीन्स, कहने का मतलब अनिल ने दो वस्तुएं खरीदी ए और बी, और कुल मूल्य कितना था ए और बी को मिलाकर? 10,000 रुपया। आगे क्वेश्चन में लिखा है उसने वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेचा और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई। वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके प्रश्न में दिया है वस्तु ए को उसने 15% के लाभ पर बेचा, वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचा, और पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। तो ना तो लाभ ना हानि को हम 0% से दिखाते हैं। यहाँ पर आपको एलिगेशन अप्लाई करना है। तो देखिए, वस्तु ए लिखे और यहाँ पर वस्तु बी लिखे। वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेचता है और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचता है। उससे पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। तो ये दोनों का अंतर कितना हुआ? तो 10% का, और ये दोनों का अंतर कितना हुआ? 15% का। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 × 10 और 5 × 3 = 15, यानी कि 2:3 आपका हो गया। ये क्या हुआ? ये आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो हुआ। और प्रश्न में दिया गया है, सबसे पहला लाइन देखिए, लिखा है अनिल ने कुल 10,000 रुपया के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी, यानी कि वस्तु ए और वस्तु बी दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना है? दैट मीन्स 10,000 रुपया। यहाँ पर देखिए 2:3 है, दैट मीन्स 2 + 3 यानी कि 5। यहाँ पर आपका कुल कितना है? कुल आपका 5 है। यहाँ लिख देते हैं कुल क्रय मूल्य रेशियो में कितना है? 5, और प्रश्न में कितना दिया है? 10,000, यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है? 10,000 रुपया। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 10,000/5, यानी कि 2000। 5 में आप 2000 से गुना कीजिएगा तो 10,000 हो जाएगा। तो अगर जो हम वस्तु ए का कॉस्ट प्राइस निकालना चाहे तो 2 में कितना से गुना करना होगा? 2000 से। दैट मीन्स, कहने का मतलब 2×2 = 4,000 रुपया आपका हो गया वस्तु ए का कॉस्ट प्राइस। और वस्तु बी का कॉस्ट प्राइस हम निकालना चाहे तो 3 में गुना करना होगा 2000 से। दैट मीन्स 3×2 = 6,000 रुपया आपका हो गया वस्तु बी का कॉस्ट प्राइस। हम यहां पर लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, दैट मीन्स वस्तु ए का क्रय मूल्य कितना हो गया? ये देख सकते हैं 4,000 रुपया। और अगर जो हम वस्तु बी का क्रय मूल्य लिखना चाहे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इस तरह से लिख सकते हैं, ये कितना है? 6,000 रुपया। अब दोनों को जोड़कर आप देख सकते हैं 6×4 = 10,000 हो रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न में क्या पूछा है? वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, वस्तु ए का विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो देखिए, वस्तु ए को कितना में खरीदा था? वस्तु ए को 4,000 रुपया में खरीदा था, और उसे कितना परसेंट लाभ पर बेचा था? प्रश्न में दिया है 15% के लाभ पर वस्तु ए को बेचा था। तो यहां पर डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। देखिए क्या होगा, प्रश्न में दिया है इस तरह से कि 4,000 रुपया में खरीदा है वस्तु ए को, तो 4,000 हमने लिख दिया इस तरह से। और आप जानते हैं परसेंटेज कहने का मतलब 100 रुपया पर क्रय मूल्य होता है, तो 4,000 का कंपेयर हमने 100 से किया। और 15% के लाभ पर बेचता है वस्तु ए को, 15% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 115 रुपये में बेचता है। 100 रुपये में खरीदता है तो 115 रुपये में बेचता है, तो 115 से गुना करेंगे। अब देखिए 1020 हमने कैंसिल कर दिया, तो 40×115 करेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 10 पहले ये लिख देते हैं और 115×4 करते हैं, तो 15×4 = 60 ये हो जाएगा, और 1×4 = 4 यानी कि 4600 रुपया। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? 4600 रुपया ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4600 रुपया। आप इस तरह से भी बना सकते हैं,
प्रश्न दिया है वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेचता है, डेट मीन्स कहने का मतलब 100 रुपया में खरीद रहे हैं तो 115 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 100 रुपया का वैल्यू कितना दिया है 4000 रुपया, तो 1 रुपया का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000/100, 115 रुपये में बेच रहे हैं तो 4000/100 × 115, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं डिटेल से, लेकिन शॉर्टकट हमें बनाना है तो डायरेक्ट यहां पर अप्लाई करेंगे कि वस्तु ए का कॉस्ट प्राइस 4000 रुपया और यहां पर 15% लाभ है, 15% आपका लाभ है तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य इस तरह से 4000 × 115/100 आप डायरेक्ट कर सकते थे, इसमें कोई भी डाउट नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 113 का एक एक स्टेप करके हमने आपको समझाया। अगर जो वस्तु बी का विक्रय मूल्य आपसे पूछे तो वो कैसे निकालेंगे, आपके प्रश्न में यहाँ पर दिया है कि वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचता है, यहाँ दिया है वस्तु बी को 10% की हानि पर बेच रहा है। अगर जो हमें वस्तु बी का विक्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ निकाल देते हैं, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी क्या हो जाएगा, देखिए कितना में खरीदा था 6000 रुपया में खरीदा था, तो 6000 × 10% की हानि पर बेच रहा है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि 90% पर बेच रहा है, तो 90/100, यहां पर से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 60 × 90 कितना हो जाएगा, तो 6×54 और 2 जीरो यानी कि 5400 रुपया में वस्तु बी को बेच रहा है। और वस्तु ए के लिए तो हम बता दिए कि वस्तु ए को खरीदा था 4000 रुपया, 15% के लाभ पर बेचा है तो 4000 का 115% हो जाएगा, 115/100 और कैलकुलेशन किए तो 4600 रुपया आ गया। जैसे चाहे आप बना सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 18/11/2020 को, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2019 वाला है जिसका एग्जाम हुआ था 18 नवंबर 2020 को, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल मेंस का था और ये क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं ये भी आपका सीजीएल मेंस का है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन से आपको शॉर्टकट अप्रोच ध्यान रखना है कैसे बनाते हैं। जो देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट दिए जाने के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग 640 रुपया है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, इस तरह से ये हो गया पहला वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहला वस्तु को 15% की छूट पर बेच रहा है, डेट मीन्स कहने का मतलब 85% पर बेच रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 85%, इस तरह से इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में लिखा है एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट दिए जाने के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य पहले मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इस तरह से, और कितना परसेंट छूट दे रहा है 25%, तो 75% पर बेच रहा है दूसरा वस्तु को, तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, और दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेते हैं, तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल रेशियो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75% और रेशियो कितना हो जाएगा 85%, तो पहले परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 15/75 और 17/85 यानी कि 15:17 हो गया। प्रश्न में देखिए आपके प्रश्न में लिखा है यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का योग 640 रुपया है, यहां पर आपको टोटल यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल ये आपके प्रश्न में दे दिया है, कितना दे दिया है 640 रुपया, यहां पर रेशियो में कितना हो रहा है तो 15 और 17 को जोड़िए, 15 × 2 = 30 और 2 = 32 यानी कि 32 रेशियो का वैल्यू कितना आपके प्रश्न में दिया है 640 रुपया। आपके प्रश्न में दिया है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्यों का योग कितना है 640 रुपया, यहाँ पर रेशियो में 15 और 17 का योगफल कितना है 32 यानी कि 32 रेशियो का वैल्यू 640 रुपया, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 640/32 यानी कि 32 × 64 यानी कि 32 में 20 से गुना करने पर 640 हो जाता है, तो 17 में भी आपको 20 से गुना करना होगा और 15 में भी 20 से गुना करना होगा, तो 17 × 34 यानी कि 340 रुपया ये हो गया, और 15 × 30 ये आपका 300 रुपया हो गया, ये आपका क्या निकला, ये आपका कॉस्ट प्राइस निकला, डेट मीन्स ये पहला वस्तु को 300 रुपया में खरीदे थे, दूसरा वस्तु को 340 रुपया में खरीदे थे और दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 640 रुपया हो रहा है। देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले ये जो 300 रुपया है पहला वस्तु का क्या है,
कॉस्ट प्राइस है। तो पहला वस्तु को क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा है कि 15% की छूट पर बेच रहे हैं, तो कितना रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि 85% पर बेच रहे हैं। तो ये 300 का 85% हम निकालेंगे तो पहला वस्तु का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। यहां पर आप लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, यानी कि 300 का कितना होगा 85%। तो 85/100 इस तरह से, यहां पर से 85 कितना हो जाएगा, तो 5 × 15 = 5, बाकी 1 × 8 = 24 = 25, यानी कि 255 रुपया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 340 रुपया दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य है, तो यहां पर हम 340 रख सकते हैं। तो 340 का 75% यानी कि 75/100, तो 25 × 75 = 25 × 100, और यहां पर से और भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 से कैंसिल कर देते हैं, यानी कि 4 × 8 = 32 और 2 × 0 = 4 × 5 = 20, 85 × 3, ये 85 × 3 कितना हो जाएगा, तो 255। यानी कि आप यहां से भी निकाल लिए, दोनों जगह से देखिए सेम आ रहा है ना, यानी कि प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, ये आपका सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, ये आपका सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, यानी कि पहला वस्तु का विक्रय मूल्य 255 रुपया और दूसरा वस्तु का भी विक्रय मूल्य 255 रुपया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है 255, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 255 रुपया, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर देखिए 115 आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 6 जून 2019 को, मतलब सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 2019 वाला, जिसका एग्जाम हुआ था 6 जून 2019 को। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन ये भी है, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 रुपया अधिक मिलते, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल पर बेचना चाहिए था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से, देखिए आपको पहले शॉर्टकट अप्रोच बताते हैं, यानी कि जो सबसे शॉर्टकट होता है वो जानिए। क्या क्वेश्चन में दिया है आपके प्रश्न में, 92.5 रुपया अधिक मिलते, यानी कि विक्रय मूल्य का डिफरेंस दिया है 92.5 रुपया, और यहाँ पर आपके प्रश्न में 8% हानि और 10.5% लाभ का अंतर कितना होगा, यानी कि 10.5 और 8 जोड़ देंगे तो 18.5 होगा, यानी कि 18.5% का वैल्यू कितना है 92.5 रुपया, तो 1% का वैल्यू 92.5 रुपया बटा 18.5 होगा, यानी कि इस तरह से 92.5 92.5 रुपया और 18.5% यानी कि 18.5% इस तरह से। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था, तो 12% लाभ डेट मीन 112% पर बेचना है, तो यहाँ पर 112% से आपको गुना कर देना है, सबसे पहले परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल के बाद एक अंक, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक अंक हटा सकते हैं, 185 हो जाता है 925, और 5 × 112 कितना होगा, तो देखिए 5 × 10 = 0, बाकी 1 × 11 = 55 1 = 56, 560, कौन सा ऑप्शन दिया गया है 560 रुपया, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका आंसर है। इसका मेथड सेकंड देखिए, मेथड सेकंड आपको बता रहे हैं बेसिक, ये आपका था शॉर्टकट, यानी कि डायरेक्ट मेथड था, यानी कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप बना सकते हैं यही अप्रोच है सबसे शॉर्टकट। और यहाँ पर देखिए बेसिक क्या होगा, क्वेश्चंस में लिखा है क्या 8% की हानि पर पहले बेच रहा है, तो -8% इस तरह से दिखा सकते हैं, और फिर लिखा है 10.5% के लाभ पर, यानी कि +10.5% इस तरह से दिखा सकते हैं 10.5% के लाभ पर। क्वेश्चंस में क्या लिखा है 92.5 रुपया अधिक, यहाँ पर कितना हो रहा है अंतर ये दोनों का, तो यहाँ 18.5% और प्रश्न में दिया है 92.5 रुपया, यानी कि 18.5% का वैल्यू 92.5 रुपया, तो 1% का कितना हो जाएगा 92/18%, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि 12% लाभ प्राप्त करना है तो किस मूल्य पर बेचना होगा, 12% लाभ कहने का मतलब कितना हुआ 112% पर बेचना है, तो 112% का आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा, तो यहां पर से 92/18% और गुना कितना हो जाएगा 112%, इसका कैलकुलेशन हमने शॉर्ट वे में यहां पर कर दिया है, कितना आया था 560 रुपया, ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर देखिए 116 और 117 दोनों आपका एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपये में कितने वस्तु बेचनी चाहिए, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018
मतलब सीजीएल प्री 2018 का क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम हुआ था 7 जून 2019 को। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट पहले जान लीजिए। यहाँ पर शॉर्टकट अप्रोच ही आपको यूज करना है। कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पर देखिए, रुपया बटा क्या करना है आपको, वस्तु की संख्या और गुना, यहाँ पर लिखना है आपको सेलिंग प्राइस लिखना है, ये आपको परसेंटेज में लिखना है। जैसे 20% हानि, तो कितना हुआ सेलिंग प्राइस, 80%, तो इस तरह से 80% यहाँ लिखना है। उसके बाद बराबर किस तरफ भी आपको करना है, रुपया बटा वस्तु की संख्या और गुना सेलिंग प्राइस का परसेंटेज। जैसे 15% लाभ, तो कितना परसेंट हुआ सेलिंग प्राइस, 115%, इस तरह से। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 116 बताने जा रहे हैं। 116 नंबर क्वेश्चन आपका हमने बता दिया, पढ़कर क्या है क्वेश्चन, क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। तो क्या लिखा हमने, रुपया बटा वस्तु की संख्या गुना सेलिंग प्राइस का परसेंटेज। तो कितना रुपया है, 2500 रुपया है, तो यहाँ पर हमने लिखा 2500 बटा वस्तु की संख्या कितना है, 25 वस्तु बेचता है, तो कितना परसेंट का हानि होता है, 10% की हानि होता है। तो 10% की हानि कहने का मतलब 90% पर वह बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 90%। तो यहाँ हमने लिखा 90% बराबर। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपया में कितने वस्तु बेचने चाहिए, 2400 रुपया, तो ऊपर हम रुपया को लिख दिए 2400, और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कितनी वस्तु बेचने चाहिए, वस्तु की संख्या को निकालना है। तो मान लेते हैं एक्स वस्तु आपको जो भी होगा इसका मान, वो आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन में लिखा है कि 20% का लाभ, तो 20% का लाभ कहने का मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120%, तो यहां पर हमने लिखा 120%। तो सबसे पहले परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 30 90 30 4 20, इसके बाद ये 4 6 24, और इसके बाद ये देखिए यहां पर से 25 1 25, यानी कि 100 बार में कैंसिल हो गया ये। अब क्या होगा, ये देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब 3 गुना 6, यानी कि x यहाँ पर 1 है आपका, तो x गुना 1, यानी कि x बराबर 3 गुना 6, डेट मीन्स कहने का मतलब 18, यानी कि 18 वस्तु। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117 भी यहीं पर हम बता देते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो देखिए ये पूछा कब गया है, SSC CGL Tier 1 2019 3 मार्च 2020 को थर्ड शिफ्ट में, मतलब SSC CGL 2019 प्री का क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम हुआ था 3 मार्च 2020 को थर्ड शिफ्ट में। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, एक विक्रेता ने 63,000 रुपया में 6 सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। देखिए पहले क्या करते हैं, रुपया बटा वस्तु की संख्या गुना सेलिंग प्राइस का परसेंटेज लिखते हैं। तो देखिए पहला लाइन जो लिखा है, 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेचता है तो 5% का लाभ होता है। 63,000 रुपया हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर 63,000 रुपया हो गया, बटा वस्तु की संख्या मतलब 6 सिलाई मशीन है, और लिखा है क्वेश्चन में 5% का लाभ हुआ, यानी कि 105% आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस का परसेंटेज। अब देखिए बराबर किस तरफ आपको क्या लिखना है, यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो 8 मशीन कितने में बेचनी चाहिए, यानी कि आपको रुपया पूछ रहा है, तो यहां पर हम एक्स मान लेते हैं या वाट भी लिख सकते हैं। और क्या लिखा है क्वेश्चन में, 8 मशीन, वस्तु की संख्या 8 है, और क्या लिखा है क्वेश्चन में, 15% लाभ कमाना चाहता है, तो 15% लाभ कहने का मतलब 115% आपका सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है। तो 15% लाभ को हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस में 115%, परसेंट से परसेंट कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए 21 5 105 और 23 5 115, इसके बाद देखिए यहाँ ध्यान से 21 3 63, यानी कि 3000 बार में यह कैंसिल हो जाएगा। अब 6 5 30, यानी कि ये आपका 500 बार में कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका, ये 8 गुना 23 यहाँ पर है और ये 500, मतलब तिरछे तिरछे गुना कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा ये 500 और गुना ये 8 और ये गुना 23। अब देखिए 8 5 40, 40 गुना 23, तो 23 4 92, 920 और ये 00, यानी कि 920 पर 00, डेट मीन 92,000 रुपया। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, देखिए ये आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी, इस फॉर्मूला पर बेस्ड, मतलब ये जो हमने कंसेप्ट बताया है इस पर आधारित ये दो क्वेश्चन हमने कराया। कैसा लगा इसका सॉल्यूशन आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 118।
क्वेश्चंस नंबर देखिए 118 ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 सीजीएल प्री 2019 का क्वेश्चंस है। 3 मार्च 2020 को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। क्या क्वेश्चंस है? एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रयमूल से 10% कम पर बेचता है, यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता, वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य कितना रुपया है। तो देखिए इसका शॉर्टकट अप्रोच सबसे पहले यानी कि सबसे बेस्ट जो तरीका होता है सबसे शॉर्टकट होता है वो आपको बता रहे हैं शॉर्टेस्ट अप्रोच, जितना से जितना हो सके शॉर्टेस्ट अप्रोच होता है वो आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरीका से। देखिए क्या क्वेश्चन में बोला है कि 332 रुपया अधिक में बेचा होता, यानी कि विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है 332 रुपया, तो यहाँ पर अंश में हमने लिखा 332। और यहाँ देखिए 10% कम और 20% का लाभ, 10% कम मतलब 10% हानि और 20% लाभ का अंतर कितना हुआ 30%, तो यहाँ पर हम अंतर का कंपेयर अंतर से हमने कर दिया। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है, तो 10% कम कहने का मतलब 10% हानि समझिए, तो 10% हानि आपका प्रारंभिक है तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा 90% होगा, तो 90% से आपको गुना करना है। अब यहाँ पर देखिए 30 90 हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और 332 कितना हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए यहाँ पर 2 3 6 और 33 99 यानी कि 996 रुपया। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 996 रुपये, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन इसका मेथड सेकंड देखिए, मेथड सेकंड जो होता है बेसिक आपको बता देते हैं ताकि आप बेसिक से भी यानी कि क्लियर हो जाए जिनको नहीं आता है। क्या लिखा है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में लिखा है 10% कम को हम -10% से दिखा रहे हैं 10% कम, फिर लिखा है क्वेश्चंस में 20% लाभ, 20% लाभ को +20% से दिखा रहे हैं, ये दोनों का अंतर कितना का है तो 30% का। आपके प्रश्न में अंतर कितना दिया है तो 332 रुपया, आपके प्रश्न में अंतर दिया है 332 रुपया, तो 1% का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं इस तरह से, तो 332 बटा कितना हो जाता है 30%। और आपको क्या निकालना है कि वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य कितना है, तो आरंभिक विक्रय मूल्य यानी कि 10% कम पर बेच रहा है यानी कि 90% आरंभिक विक्रय मूल्य है, दैट मींस कहने का मतलब 90% का वैल्यू आपको निकालना है, तो 1% का इतना तो 90% का 332 बटा 30% गुना कितना हो जाएगा 90%, इसका सोल्यूशन करके कितना हमने लाया तो 996 रुपया, ये डी नंबर ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से डिटेल से बनाते हैं और शॉर्टकट में डायरेक्ट आपको ये यूज करना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको यही अप्रोच यूज करना है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चंस नंबर 119, क्वेश्चंस नंबर देखिए 119 आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 सीजीएल प्री 2019 का क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम हुआ था 5 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में। क्वेश्चन ये आपका है 116 और 117 जो बताए हैं उसी पर आधारित है। तो देखिए 119 नंबर क्वेश्चन, रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई, 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो देखिए रुपये बटा वस्तु पहले लिखते हैं, तो 2160 रुपये हमने लिखा, 2160 रुपये में 48 वस्तु बेचता है तो 10% की हानि होता है यानी कि 90% पर उसे बेचा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, 2116 रुपये में, 2116 रुपये में कितना वस्तु बेचना चाहिए, मान लेते हैं एक्स वस्तु बेचना चाहिए कि उसे 12% का लाभ हो, 12% लाभ कहने का मतलब 112% आपका सेलिंग प्राइस है, तो परसेंट से परसेंट पहले कैंसिल हो जाएगा, 16 3 48 और 16 7 112। अब देखिए यहाँ पर से 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 9 से 24 9 216 और 3 से 3 8 24, इसके बाद ये 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 2 14 फिर 6 और 1 7 8 56 61 में से आप 56 घटाइएगा तो 5 होगा, फिर 5 और 6 फिर 7 8 56, अब ये 8 से कैंसिल हो जाएगा तो 8 3 24 फिर 8 6 48 यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया तो x गुना 1 और यहाँ 1 गुना 36 तो x का मान 36 हो गया, डेट मीन्स 36 वस्तुएं। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर देखिए 120 पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 2 9 मार्च 2018 का सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 9 मार्च 2018 में ये पूछा गया है। क्या लिखा है क्वेश्चन, एक व्यापारी
₹30 प्रति केजी की दर से ज्वार खरीदता है, उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके। उसे किस कीमत पर रुपया प्रति केजी पर अनाज को बेचना चाहिए? तो मान लेते हैं उसके पास 100 केजी अनाज है। क्वेश्चंस में तो दिया नहीं है, लेकिन अपने मन से मान लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उस किसान के पास 100 केजी ज्वार था। माना कि उसके पास कुल अनाज कितना था, शॉर्ट में लिख रहे हैं थोड़ा, कुल अनाज कितना था तो 100 केजी था। ये हमने मान लिया कि उसके पास 100 केजी था प्रारंभ में कुल अनाज। अब प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, ₹30 प्रति केजी की दर से खरीदता है। दैट मींस कहने का मतलब एक केजी खरीदता है ₹30 में, तो यहाँ पर हमने 100 केजी माना है, तो कुल क्रयमूल आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कुल क्रयमूल या कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक केजी का ₹30, तो 100 केजी का 100 × 30, दैट मींस कहने का मतलब ₹3000 आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चंस में लिखा है कि उसे अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है, मतलब जो भी अनाज था 100 केजी अनाज हमने माना है शुरू में, तो 100 केजी अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। तो यहां पर देखिए लिख देते हैं हम 20% व्यर्थ हो जाता है, ये आपके प्रश्न में लिखा है 20% व्यर्थ हो जाता है। डेट मीन्स कहने का मतलब 100 केजी का 20%, तो यहाँ पर 100 केजी का 20% कितना होगा, डेट मीन्स कहने का मतलब 20 केजी अनाज आपका क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है, 20 केजी अनाज आपका व्यर्थ हो जाता है। तो शेष कितना बचा, शेष आपका जो अच्छा अनाज बचा वो कितना, 100 केजी में से 20 केजी व्यर्थ हो जाता है, तो शेष बचा 100 - 20, यानी कि 80 केजी अनाज आपका अच्छा है। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है, क्वेश्चंस में लिखा गया है कि वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि 40% समग्र लाभ कमा सके। समग्र लाभ कमा सके मतलब पूरा पर 40% लाभ कमा सके, मतलब ₹3000 पर उसे 40% का लाभ, 3000 का यानी कि वह 40% लाभ कमाता है, तो कितना पर सेल कर रहा है, मतलब 140% पर, तो 3000 का 140% हो जाएगा, या 140/100 लिख सकते हैं। और प्रश्न में देखिए ये लिखा गया है आपका कि 20% व्यर्थ हो जाता है, दैट मींस कहने का मतलब हम यहाँ पर निकाल लिए कि 20 केजी व्यर्थ हो जाता है, 100 केजी हमने माना था, तो और 100 केजी में से 20 केजी व्यर्थ हो जाता है तो 80 केजी ही बचा। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि ₹1 प्रति केजी के हिसाब से वह बेचता है, यानी कि 1 केजी बेचता है ₹1 में, तो 80 केजी कितना बेचेगा, यहाँ पर आप मान लीजिए कि ₹1 प्रति केजी के हिसाब से वह बेचता है, तो 1 केजी बेच रहा है ₹1 में, तो अब बचा हुआ अनाज अच्छा अनाज कितना है, 80 केजी आपका अच्छा अनाज है, 20 केजी तो खराब हो गया, तो 80 केजी अच्छा अनाज बचा हुआ है, तो ₹1 प्रति केजी की दर से वह बेचता है 1 केजी को ₹1 में, तो 80 केजी को 80 × ₹1 में बेचेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 10 से 10 सबसे पहले यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, और ये देखिए 2 × 4 = 8, और यहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हैं 4 से, तो 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए 35 × 4 कितना होता है 140। अब देखिए ये 2 से कैंसिल कर देते हैं इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर 150 × 300 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए और भी कैंसिल होगा, यहाँ देखिए 25 × 150 और 25 × 100, अब और कैंसिल होगा 3 × 6 और 2 × 4, यानी कि 35 × 3/2, तो x का मान कितना हो जाएगा 35 × 75 से 105/2, तो ये कितना हो जाएगा 52 × 104 और आधा और, यानी कि ₹52.5 प्रति केजी, ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शंस दिया गया है, सी नंबर ऑप्शंस दिया गया है, सी नंबर ऑप्शंस आपके प्रश्न में दिया है 52.5। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर देखिए 121 एसएससी सीजीएल टीयर 2 9/3/2018 सीजीएल मेंस 9 मार्च 2018 के दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर कोई विक्रेता ₹69 में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है, यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे वह तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए। प्रश्न में दिया है ₹69 में बेचता है, यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं प्रश्न में दिया है ₹69 में बेचता है, और 8% नुकसान कहने का मतलब 92% पर वह बेच रहा है, परसेंटेज में 92%, और क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि 16% मुनाफा चाहता है, मतलब 16% लाभ चाहता है, तो 16% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होता है 116%,
तो 116% से आपको गुना करना होगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 23 तीस चौके बानवे और ये 4 से कैंसिल करेंगे 29 चौके 16 से, तो 3 × 29 27 रुपया। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ये आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, यही आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन इसका मेथड सेकेंड भी देख लीजिए जो आपका बेसिक है। क्वेश्चंस में लिखा है 8% नुकसान होता है, यहां पर हम लिख देते हैं 8% नुकसान। तो 8% नुकसान कहने का मतलब, नुकसान को ही आप हानि भी बोल सकते हैं, 8% नुकसान हुआ यानी कि 90% पर वह बेच रहा है, 90% पर बेच रहा है, ये आपको अंडरस्टूड रहना है, इतना आपको समझ होना चाहिए। 8% नुकसान हुआ यानी कि 92% पर बेच रहा है। तो प्रश्न में देखिए यानी कि 92% का वैल्यू कितना दिया है? 69 रुपया। 92% का वैल्यू दिया है 69 रुपया। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 69/92%। आपसे क्या पूछ रहा है? 16% मुनाफा। डेट मीन्स कहने का मतलब 116% का वैल्यू कितना होगा? तो क्या 69/92% और गुना कितना हो जाएगा? 116%। इसका सोल्यूशन करके कितना आया? 87 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस नंबर 122। क्वेश्चंस नंबर देखिए 122 एसएससी सीजीएल टीयर 2 17 फरवरी 2018 को। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चंस है जो पूछा गया है 17 फरवरी 2018 को। बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस है। किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। मतलब मूंगफली का जितना भी वजन होता है उसका 20% वजन का तेल निकाला जाता है। आगे क्वेश्चंस में लिखा है निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाता है। मूंगफली 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदी गई, प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपए प्रति केजी है, तेल को किस मूल्य पर यानी कि बेचा जाए प्रति केजी के हिसाब से कि उसे कुल कीमत पर 20% का लाभ हो। और ब्रैकेट में लिखा है कुल कीमत बराबर क्या लिखा है? मूंगफली की कीमत और प्रोसेसिंग की कीमत। डेट मीन्स 20 रुपए प्रति केजी और प्लस 5 रुपए प्रति केजी यानी कि 25 रुपए प्रति केजी आपका क्या हो गया? कुल कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको ये तो मान लेना होगा कि मूंगफली का वजन कितना है, ये आपको पता नहीं है तो मान लीजिए जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने 100 केजी माना था, यहां भी आप मान सकते हैं 100 केजी। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना कि मूंगफली का वजन कितना है? 100 केजी। माना कि मूंगफली का प्रारंभ में जो भी वजन है, मूंगफली का वजन कितना, कुल वजन यहां पर लिख देते हैं, मूंगफली का कुल वजन 100 केजी था। मूंगफली का कुल वजन हमने कितना मान लिया है? 100 केजी। आगे देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है। क्वेश्चंस में लिखा है कि मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला गया। तो 100 केजी का 20% कितना होगा? तो 20% कहने का मतलब 20/100, तो 100 × 20/100 डेट मीन्स कहने का मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 20 केजी आपका तेल निकाला गया है, 20 केजी तेल निकाला गया है। तो शेष पदार्थ कितना बचा? शेष पदार्थ आपका बचा 100 केजी में से आप 20 केजी घटा दीजिए तो 80 केजी आपका मूंगफली का शेष भाग बचा। 100 केजी मूंगफली था, उसके वजन का 20% आपका तेल निकाला गया, मतलब 100 का 20% 20 होता है यानी कि 100 केजी मूंगफली में से 20 केजी आपका तेल निकला, तो 80 केजी आपका बचा हुआ यानी कि मूंगफली का शेष भाग है। आगे क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चंस में लिखा है कि निष्कर्षण के पश्चात मतलब तेल निकालने के बाद जो पदार्थ बचता है, तो कितना बचा है? 80 केजी बचा है। क्या लिखा है क्वेश्चंस में? उसे मवेशियों के लिए, मवेशियों के भोजन के लिए, मवेशी कहने का मतलब जैसे गाय भैंस बकरी ये सब हुआ, तो मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाता है। 12.5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाता है यानी कि 1 केजी बेचते हैं 12.5 रुपया में, तो ये कितना है आपका? है 80 केजी है, यानी कि यहां पर हम लिख देते हैं 80 केजी। 80 केजी क्या है? मूंगफली। 80 केजी मूंगफली का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो देखिए 1 केजी बेचता है 12.5 रुपये में, तो 80 केजी कितना बेचेगा? यानी कि 80 × 12.5, तो ये गुना कर लेंगे तो 125 × 8 करने पर 1000 होता है, तो 80 से गुना करेंगे तो 10000 होगा, एक अंक बाद अंतिम से डेसिमल देंगे यानी कि कितना हो जाएगा? 1000.0। तो यहां पर आप बोल सकते हैं डायरेक्ट यानी कि ये कितना हो गया? तो 1000 रुपया हो गया। मूंगफली का सेलिंग प्राइस कितना हो गया?
₹1000। आगे क्वेश्चंस में लिखा है मूंगफली ₹20 प्रति केजी के हिसाब से खरीदी गई और प्रोसेसिंग की कीमत ₹5 प्रति केजी है। डेट मीन्स मूंगफली की कुल कीमत कितना था। यहाँ पर हम पहले ये निकाल लेते हैं मूंगफली की कुल कीमत। डेट मीन्स यहाँ पर देखिए टोटल 100 केजी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, हमने माना है कि 100 केजी और ₹20 प्रति केजी आपका क्या है खरीदा गया है, ₹20 प्रति केजी के हिसाब से खरीदा है, ₹5 प्रति केजी प्रोसेसिंग फीस है। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 केजी गुना 20 प्लस 5, यानी कि पहले 100 गुना 20 करते आप प्लस फिर 100 गुना 5 करते, 20 प्लस 5 25 गुना 100, ये कितना हो गया आपका ₹2500 आपका था मूंगफली का कीमत। 100 केजी मूंगफली का कीमत यहाँ पर हम लिख देते हैं, 100 केजी मूंगफली का कीमत कितना हो गया ₹2500 था, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अब क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा है कि उसे कुल कीमत पर 20% का लाभ मिले, तो 20% लाभ के बाद सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20% लाभ के बाद सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो ₹2500 आपका था 100 केजी वस्तु का, यानी कि 100 केजी जो मूंगफली है उसका कॉस्ट प्राइस एक तरह से ₹2500 था। और बोला है प्रश्न में 20% का लाभ हो, यानी कि ₹2500 पर 20% का लाभ हो, 20% लाभ कहने का मतलब 120%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2500 गुना 120% या 120/100, 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से, 25 गुना 120 कीजिए कितना होगा, तो पहले तो 1 जीरो लिख देते हैं सबसे पहले ये, और 12 5 60 के 0 बाकी 6 12 2 24 और 6 कितना हो जाएगा 24 6 30, यानी कि ₹3000 आपका हो गया सेलिंग प्राइस। ₹3000 और ₹1000 का गैपिंग कितना का है, तो ₹2000। डेट मीन्स कहने का मतलब यहाँ हम ₹2000 लिख देते हैं, ये दोनों का गैपिंग है कितना ₹2000 का, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 20 केजी आपका तेल निकला था, यानी कि 20 केजी तेल का सेलिंग प्राइस कितना था, तो 3000 माइनस 1000, इस तरह से आप लिख सकते हैं 3000 माइनस कितना 1000, तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि ₹2000। यहाँ पर 20 केजी का यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है ₹2000, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, 1 केजी का हो जाएगा 2000/20, यानी कि ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ₹100 प्रति केजी। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 122, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक एक स्टेप हमने समझाया, ये हमने कैसे किया जो बता देते हैं एक बार, ₹3000 और ₹1000 का गैपिंग कितना का है ₹2000 का, और 100 केजी में से 20 केजी आपका तेल निकल गया था, तो वही 20 केजी आपको बेचना है, यानी कि 20 केजी का सेलिंग प्राइस कितना है ₹2000, तो 1 केजी का ₹100 पर केजी होगा, तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाते हैं ये। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 से नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को हम बहुत लेंदी कर दिए हैं, यानी कि लगभग 30 मिनट प्लस हो गया है, आधा घंटा सुपर लगभग हो गया है, तो अधिकतर लोग वीडियो पूरा पूरी नहीं देखते हैं, इसलिए हम आधा घंटा के आसपास से वीडियो ये बनाए हैं, और आपको ये अगर जो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो जरूर मजा आया होगा, और ऐसा सोल्यूशन आप कभी भी नहीं देखे होंगे, और खुद बनाए होंगे इस प्रकार के प्रश्न को, तो किस तरह से बनाए होंगे आप खुद जानते होंगे, तो ऐसे ही बेस्ट सोल्यूशन के लिए, सबसे सटीक और सबसे अच्छा सोल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें आप पर नोटिफिकेशंस आए आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर, उसके बाद आप उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सके, और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर किया कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप प्लेलिस्ट में जाकर जो आपका जरूरत हो उस लाइक वीडियो देख सकते हैं।